मजा आएगी, बहुत मजा आएगी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में F1 जनरेशन के बारे में पढ़ा था। अब F1 जनरेशन से ही खेल शुरू हो रहा है कि जब प्योर जो है दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के प्योर जो है जीन को क्रॉस कराया, तो जो नई हाइब्रिड जीन बनी उसमें जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ वो कहलाता है डोमिनेंट। यही बात तो समझ में आई थी लास्ट क्लास में, ठीक है? तो एक बात समझ में आया कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो होमोजाइगस कंडीशन में भी दिखता है और हेटरोजाइगस कंडीशन में भी देखने को मिलता है, यस। लेकिन रेसेसिव कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही देखने को मिलता है। अब बात आती है F2 जनरेशन। तो आप लोगों ने कल की क्लास में यहां तक लिखा था, देखिएगा और खुद ही आप बताएंगे। ऐसे ही बहुत सारे बने थे। ये हो गया फर्स्ट फिलियल जनरेशन, और जितने भी बने थे सब के सब क्या थे? टॉल थे। अब अगर इनकी क्या करा दी जाए, सेल्फिंग क्या करा दिया जाए, मतलब आपस में ही शादी करा दी जाए। ये है कैपिटल टी और ये है स्मॉल टी, ये है कैपिटल टी और ये है स्मॉल टी। तो इसमें दो तरीके का एलील बन रहा है, एक बन रहा है कैपिटल टी और एक बन रहा है स्मॉल टी। इसी तरीके से यहाँ भी ये बन रहा है और एक बन रहा है स्मॉल टी। ये जो कैपिटल टी है ये इसके साथ भी जा सकता है और ये वाला जो कैपिटल टी है ये इसके साथ भी। तो क्या बना? कैपिटल टी, दूसरा बना कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसी तरीके से ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ भी जा सकता है। ओके, ये जो कंडीशन है ये कुछ पेरेंट की तरह है। कैसी हो गई? पेरेंटल। और ये देखो, तो हमको यहां पर नोट करो इतना, तो हम तुमको पढ़ाने जा रहे हैं इसके आगे का भाग। नोट करो, ये जो जनरेशन है इसको कहेंगे F2 जनरेशन, ठीक है? नोट करो जल्दी, तो मैं आगे बढ़ाऊं। हो गया वो हाइब्रिड क्रॉस, वो जो है इस तरीके से जैसे मैं पढ़ा रहा हूं इस तरीके से ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बात याद रखिएगा, हो गया? डन, चलो सबका हो गया। अब यहां पर जो बना था कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्या बना? स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये बना वन, ये बना टू और ये बना, ये जो जीन जीनो टाइप रेशियो है क्या है? इसको कहते हैं जीनो टाइप, ठीक है? अब जो आती है बात फीनोटाइप, तो भैया ये भी टॉल है और ये दो भी टॉल है, ये तीनों ही, और ये क्या है? वाह, तो रेशियो आ गया 3:2। चार में से, या आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं 3/4 और 1/4। इसको लिख सकते हैं 1/4, इसको लिख सकते हैं 2/4 और इसे 1/4। चार में से एक ऐसा है, दो ऐसा है और एक ऐसा है। नोट करिए,
क्या मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल, चले आगे बढ़े। अब बात आती है, ये तो था जब हमने क्या कराया था, F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई थी। क्या कराई थी? सेल्फिंग। तो यहां पर हमको देखने को मिला कि क्या हमको देखने को मिला, हमको पेरेंटल पेरेंटल जीनोटाइप या पेरेंटल कंडीशन देखने को मिला। इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों कहते हैं कि देखो भैया, जो एलील थे वो अलग हो गए। क्या हो गए? अलग हो गए, और ये अलग अलग तरीके से जा करके ज्वाइन कर गए, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और दूसरा लॉ लगता है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहां पर दो लॉ लगा, एक तो वो लगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दूसरा लगा दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, चलो। और सबसे पहले क्या देखा था, F1 जनरेशन में जो हमको जो जो फिनोटाइप मिला या कैरेक्टर मिला, वो क्या बताया था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बनाया था? तो भैया इनका इनका कौन कौन सा लॉ साबित हुआ? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कोई भी पौधा ऐसा था जो मीडियम हाइट का था? नहीं। तो लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस मेंडल ने दिया था कि नहीं दिया था? नहीं दिया था, क्योंकि मेंडल ने हमेशा प्योर लाइन को ही क्रॉस कराया था। यही फायदा था मेंडल में। ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग शब्द यहां पर एक बात बोली थी कि टॉल एंड ड्वार्फ वर आइडेंटिकल टू दियर पेरेंट, दे डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग या इनकम्प्लीट डोमिनेंस पी प्लांट में नहीं देखने को मिली थी, इसीलिए मेंडल बच भी गए थे। इसीलिए मेंडल बच गए थे, किस्मत के धनी थे, लेकिन पैसों से धनी नहीं थे शायद। आगे बढ़ जाएं। इसका मतलब क्या हो गया? बोलता मेंडल के बच्चे थे क्या? तारी हो गई थी? अपने बच्चे कितनी तो उधारी चल रही है। चलिए पढ़िए पढ़िए। अब आप लोग पार्टी वार्टी के लिए मना कर दिया करिए, कहिए और कहा करिए कि जब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा तब पार्टी करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया 3:1 और F2 जनरेशन में, और एक दूसरा था 1:2:1। चलो पॉइंट लिखो, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस दैट इज चलो इसी जीन को मेंडल क्या कहते थे? फैक्टर। ठीक है, जीन या फैक्टर कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड्स। ठीक है, चलो यहां पर कुछ बात है,
ठीक हो, जीन मैंने आपको सिखा दिया, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या हेरिडिटी, व्हाट इज जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, व्हाट इज हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। जैसे आपकी, जैसे मैं कहता हूँ मेरी आंखें मेरी मम्मा जैसी दिखती है, तो मम्मा के कैरेक्टर मेरी जीन मेरे जो है मेरे अंदर आए, ठीक है, तो क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, इसको कहेंगे हेरिडिटी। फैक्टर का मतलब क्या, वही अगेन जीन। एलील्स क्या होते हैं, दीज आर द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ये भी लिख चुके हैं आप, केवल ये लिख लीजिए, अरे आपको सब आता है, केवल आप फिनोटाइप लिख लीजिए। व्हाट इज फिनोटाइप, इट इज अ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। चलिए लिखिए, सब इंपॉर्टेंट है, लिखिए जीनोटाइप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरेक्टर्स लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। व्हाट इज होमोजाइगस, ए पेयर ऑफ सिमिलर एलील्स, ठीक है। हेटेरोजाइगस क्या होता है, पेयर ऑफ डिससिमिलर एलील्स, ऐसा नहीं है कैपिटल टी स्मॉल आर देख लिए तो कहें कि ये पेयर है, नहीं, क्या है वो, बहुत होगा तो गैमीट होगा। अब बात आती है बैक क्रॉस, अब बैक एक होता है बैक क्रॉस, एक होता है टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या होता है कि किसी भी पेरेंट से आप क्रॉस करा दीजिए, जैसे कैपिटल टी की शादी स्मॉल टी से हुई थी तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना था F1 में। अब ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है इसकी शादी करा दें पेरेंट से, चाहे इससे करा दें, चाहे इससे करा दें, किसी भी पेरेंट से करा दें, तो इस तरीके के क्रॉस को क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। नोट कर लीजिए। अब देखिए कितने टाइप के गैमीट बनेंगे, यहां पर कहेंगे सर दो, और होमोजाइगस में हमेशा एक लिखते हैं, यहां लिखेंगे दो, यहां लिखेंगे एक, तरीका सिखा दे रहा ट्रिक, टाइम टोटल नंबर ऑफ गैमीट निकालना कभी क्वेश्चन में आ जाए, या टोटल मैक्सिमम टाइप ऑफ जीनो टाइप पूछ ले, दोनों सिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या, ये है टू इंटू वन, आंसर क्या आ गया टू, तो देखो दिखा भी दे रहे हैं, क्या यहाँ पर कैपिटल टी हो जाएगा, एक हो जाएगा स्मॉल टी, और यहाँ पर तो एक ही तरीके का गैमीट बनेगा ये। अब इसकी शादी इसके साथ करा दो तो कैपिटल टी, और इसकी शादी इसके साथ हो सकती है, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो जरा दो ही तरीके का जीनोटाइप आया क्या, और दो ही तरीके का गैमीट भी आया क्या। तो एक बात समझो, टाइप ऑफ गैमीट, चाहे मेल गैमीट चाहे फीमेल गैमीट आ जाए, टाइप ऑफ फेम गैमीट, तो इसमें सिर्फ वन लिखेंगे, उसमें लिखेंगे हेटेरोजाइगस में हमेशा टू लिखेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी सीखोगे, अभी तो नहीं समझ में आ रहा है बट अभी सिखाते हैं। ये वाला समझ में आ गया, ये वाला करके दिखाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी से, यहाँ सिर्फ एक ही टाइप का बनेगा, यहाँ दो टाइप का बनेगा, एक बनेगा कैपिटल टी और एक बनेगा स्मॉल टी, एक बार इसकी शादी करा दो ये बनेगा, और एक बार इसकी शादी करा दो तो ये बनेगा, एक बनेगा टॉल और एक बनेगा रेसेसिव ड्वार्फ। इसी तो दूसरे वाले में क्या क्या बना था, कहेंगे सर दूसरे वाले में दोनों टॉल बना था, ठीक है, अब मेरी बात समझो, ये था बैक क्रॉस, समझ में आया, बैक क्रॉस कराया, देखो बहुत सारी बातें आई, बैक क्रॉस कराया तो टॉल भी आया, देखो बैक क्रॉस कराया तो बैक क्रॉस से ये नहीं पता चल पाया कि जो हमारा F1 जनरेशन में सीड है वो होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है क्या है, क्यों, क्योंकि जब आप डोमिनेंट से कराते हैं, प्योर डोमिनेंट से कराते हैं
तो दोनों टॉल आया, मतलब आपकी सीड पहले भी टॉल थी और बाद में जितनी सीड बनी वो भी टॉल बनी। लेकिन जब आपने ड्वार्फ वाले से कराया, कैसे कराया, तो ये पता चल गया कि ये हाइब्रिड है कि प्योर है। अगर ये हाइब्रिड है, अगर ये हाइब्रिड है तो 50% टॉल और 50% ड्वार्फ आता। अगर ये हाइब्रिड ना होता, प्योर होता, तो 100% टॉल आता। क्या था, बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब बैक क्रॉस से हम F1 जनरेशन का जीनोटाइप पता कर सकते हैं या टेस्ट क्रॉस से। टेस्ट क्रॉस, अगला लिखो, अगला लिखो, टेस्ट क्रॉस। किया कुछ भी नहीं, किया कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या किया, हमने ये लिया था कैपिटल टी और इसकी शादी कराई थी स्मॉल टी से और बना था कैपिटल टी के स्मॉल टी। हमको ये पता करना था कि ये हाइब्रिड है कि प्योर है, क्या है। अब इसमें जीन तो थोड़ा देख लोगे, जीन नहीं देख पाओगे, लेकिन तुमको ये पता चले ये टॉल आया, ये पहले भी तो इसका टॉल पेरेंट था, ड्वार्फ पेरेंट था। तो तुमको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो टॉल है ये प्योर टॉल है कि हाइब्रिड है। नहीं समझ में आ रहा है? क्या नहीं समझ में आ रहा है? प्योर टॉल है कि, तो कैसे पता करेंगे, तो कहेंगे अब इसकी शादी कराएंगे ड्वार्फ पेरेंट से। किससे कराएंगे? तो हमको मिलेगा कैप स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ये एक बार चांस है ये वाली और एक बार चांस है ये वाला, तो कितना आया 50% टॉल और 50% बार 1:1 क्या रेशियो आया। लेकिन अगर इसी की शादी, अगर ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी था इसकी शादी अगर तुम कैपिटल टी से कराते तो सबके सब टॉल ही बनते। देखो बनता, ये भी टॉल होता और ये भी टॉल होता। अच्छा जीनोटाइप तुम देख सकते हो क्या? नहीं, तो तुमको क्या दिखता, सिर्फ टॉल। तो क्या तुम ये बता सकते थे कि ये प्योर था कि हाइब्रिड? नहीं। तो इसका मतलब टेस्ट क्रॉस में ही पता चलेगा कि जो F1 जनरेशन में प्रोजेनी बनी है वो प्योर है कि हाइब्रिड, या किसी भी जनरेशन F2 में भी पता कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में क्या अंतर है? बैक क्रॉस में किसी भी पेरेंट से शादी करा रहे हैं, टेस्ट क्रॉस में सिर्फ ड्वार्फ वाले से करा रहे हैं। हो गया। अब बात आ रही है कि डोमिनेंट कैरेक्टर कैसे पता चले। तो दो प्योर लाइन को क्रॉस कराने पे, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के प्योर लाइन को क्रॉस कराने पे जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में देखने को मिलेगा वही क्या कहलाएगा? डोमिनेंट। लिखो डोमिनेंट कैरेक्टर, देखो कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, लिख लो। देखो ये तो था मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, कितने टाइप का गैमेट बनेगा कोई बताए, कोई भी युवा बताए। ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस, हेडिंग डालो डाई हाइब्रिड क्रॉस, मजा आ जाएगा बाबू। कितने टाइप का गैमेट बनेगा, क्या 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 सवाल था मेरा, कितने टाइप का गैमेट बनेगा बता दे कोई तो जान जाए। चार, एक गधे ने बोला चार। ये देखो ये दोनों में कितने टाइप का बनेगा, एक, और ये दोनों में कितने टाइप का बनेगा, एक। तो भैया यहाँ पर कितने टाइप का बनेगा, एक। यहाँ पर देखिए, सीख लो ये ट्रिक, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप का बना। अब इनका, इनके दो गैमेट मिलेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी, ये देखो कैपिटल आर, और ये हमेशा ये डैश, ये जो गैप दिखाता है, यहाँ पे कैपिटल आर भी आ सकता है, कैपिटल टी आ सकता है, स्मॉल टी आ सकता है। यहाँ के केस में क्या आएगा, स्मॉल टी, और यहाँ के केस में क्या आएगा, स्मॉल आर। तो रेसेसिव हमेशा
राइट साइड होता है और डोमिनेंट हमेशा लेफ्ट साइड या पहले प्रीफिक्स। तो ये क्या दिखा, तो कहेंगे सर टॉल और यहाँ पे मान लो ये कैपिटल आर राउंड, टॉल और राउंड। अब यह देखना ये है टॉल और राउंड सी, और ये वाली है ड्वार्फ और रिंकल्ड सी। जब लेकिन जब आपको F1 जनरेशन में देखने को क्या मिला, टॉल और राउंड, इसका मतलब टॉल और राउंड कैरेक्टर कैसा है, एक टॉल कैरेक्टर डोमिनेंट है और एक राउंड कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर की बात हुई है, दो कंट्रास्टिंग पेयर या कहेंगे चार, मतलब टॉल ड्वार्फ राउंड रिंकल। जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ये कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और इन्हीं ने आपस में शादी कर ली, कई घर में शादी हो गई, इसको कहेंगे सेल्फिंग। क्या करा सेल्फिंग, क्या करा सेल्फिंग। आप मुझे एक बात बताइए, सेल्फिंग करेंगे सबसे पहला, मेरा सबसे पहला सवाल, मेरा सबसे पहला सवाल, अगर मैं इसको मेल मान लूं और इसको भैया मेल में कितने तरीके के गैमेट बनेंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल, टोटल कितने तरीके के जीनोटाइप बनेंगे, टोटल नंबर या टाइप, टोटल टाइप ऑफ गैमेट पहला सवाल, दूसरा टोटल टाइप या नंबर ऑफ जीनोटाइप बताए। जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप चार देख लेते हैं, क्या क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, दो कैरेक्टर एक साथ पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे दो लड़कियां थी, दो लोग से एक इंसान ऐसा था उसकी आदमी था हाइट ज्यादा थी टॉल था, और जो वाइफ थी उसकी वो डॉर्क थी, जो हस्बैंड था वो टॉल भी था और उसका जो फेस था वो राउंड था, ठीक है। चलो मैंने कह रहा हस्बैंड टॉल था और कालू था, ठीक है, वाइफ ड्वार्फ थी और गोरी थी, ठीक है। बच्चे में क्या क्या कैरेक्टर आ सकता है, लंबा लंबा और गोरा हो सकता है, लंबा और काला भी हो सकता है, छोटा और काला हो सकता है, और छोटा और गोरा हो सकता है, ठीक है, ये समझ में आया। ये तो चार तरीके का कैरेक्टर है, क्या है, लेकिन जीनोटाइप जीन्स का टाइप क्या क्या हो सकता है देख लेते हैं। चलो यहां देखो बेटा, सबसे पहले बनाएंगे गैमेट, गैमेट में क्रोमोसोम की संख्या बराबर क्या आधी आधी। तो भैया ये हमेशा पढ़, देखो ये जो मैं पढ़ता रहा हूं ये सीख गए तो बाबू जिंदगी में सारे क्वेश्चन लगेंगे। सबसे पहले हमेशा एक एक सेट को पढ़ेंगे, यहाँ दो तरीके का गैमेट एलील है और यहाँ भी दो तरीके का, टोटल चार तरीके का गैमेट बनेगा, कितने टाइप का दिखाएं। देखो ये है कैपिटल टी और ये है स्मॉल टी, ये है कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर, ये है कैपिटल आर और ये है स्मॉल आर, मतलब कैपिटल टी कैपिटल आर भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल आर भी हो सकता है, स्मॉल टी कैपिटल आर हो सकता है और स्मॉल टी स्मॉल आर हो सकता है, चार तरीके का गैमेट बन गया। इसी तरीके से यहाँ भी चार तरीके का बनेगा, तो टोटल टाइप ऑफ गैमेट का आपस में क्रॉस करा दोगे चार चौक 16 जीनोटाइप बनेगा, देख ले देख ले, गारंटी है 16 बनेगा नंबर में, कितना बनेगा। ये वाला भी बनाना सिखाऊं, हमेशा ऐसे बनाया जाता है, पहले वाले का दोनों अलग वेरिएबल है तो ऐसे लिखेंगे अलग अलग, फिर इधर वाले दोनों अगर वेरिएबल है तो ऐसे लिखेंगे। अगर तुम ये नहीं सीखी
तुम जो पढ़ रही हो सब बेकार हो जाएगा, जाओ 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 तुम बोलो। ठीक है, तो टोटल कितने तरीके का बन सकता है? 16। जरा दिखा दूं क्या? अरे देखो ऐसे ही देख लो, ये वाला है, ये एक बार इस वाले से शादी कर सकता है कैपिटल टी कैपिटल आर से, ये वाला इससे मैट कर सकता है कैपिटल टी स्मॉल आर वाले से कर सकता है, स्मॉल टी कैपिटल आर वाले से कर सकता है, और स्मॉल टी स्मॉल आर के वाले से नहीं कर सकता क्या? दिखा दें, देखो चलो मैं बना के दिखा दे। मेरी तरह लिखने की कोशिश करो तो सीख जाओगे। देखो भैया पूरी दुनिया पनेट स्क्वायर से कराती है, बच्चे बेचारे हमेशा परेशान रहते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं जितना पढ़ाऊंगा सब आएगा, सब आएगा, नहीं तो वहां बैठे बॉक्स ही बनाते रह जाओगे। ठीक है, अब देखो बेटा, अब देखो ये देखो चार तरीके के गैमीट हैं, देख लो एक बार, और इसकी शादी इसके साथ करा दी, अब देखना क्या क्या बन सकता है। कैपिटल टी डैश कैपिटल आर डैश, अब ये इसको भरना है, कैपिटल टी कैपिटल आर, और क्या हो सकता है? कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, हो गया ये और ये, इसका और इसका कॉम्बिनेशन। अब इसका इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, और देखो ये भैया ये वाला आखिरी कॉम्बिनेशन दैट इज कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, दिख गया। अब तुम कुछ भी बना सकते हो, और इवन तुम इतना बता सकते हो कि कितना क्या बनेगा, कितना क्या बनेगा केवल इतने से। अभी मैं अगर इसको मैं पढ़ा दूं, तुम इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन को तुम चुटकी में सॉल्व होगा, चुटकी में गारंटी ले रहा हूं, कुछ भी लेके आओगे सॉल्व करके दिखा दूंगा, कुछ भी, कोई अनेट पनेट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है। याद है, समझ में आ गया? चलो तुम मुझसे कुछ पूछो, तुम मुझसे पूछो कि सावन सर टॉल और राउंड कितने होंगे, क्या पूछ लिया तुमने? टॉल और राउंड कितने होंगे, और कुछ पूछना है? चार ही करेक्टर है, टॉल ड्वार्फ राउंड रिंकल, तो टॉल रिंकल कोई पूछ ली, ड्वार्फ और रिंकल। चलो देख लो भैया, ड्वार्फ कैसा करेक्टर है तो कहेंगे सर रेसेसिव, रिंकल्ड कैसा है तो कहेंगे रेसेसिव। जरा मेरे भाई ये देखो, जरा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इधर देखना, इधर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, इसी तरह कैपिटल टी स्मॉल टी, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। मेरा सवाल, मेरा जवाब ये देखो, देखो भैया टॉल रिंकल तो स्मॉल टी स्मॉल आर, और यहाँ से भी हमको क्या चुनना पड़ेगा, स्मॉल टी और स्मॉल आर। जरा मुझे बताओ स्मॉल टी स्मॉल आर कितना बनेगा, कहेंगे एक, और इसमें भी स्मॉल टी स्मॉल आर कितना बनेगा, कहेंगे एक, वन इंटू वन कितना आएगा, वन, और टोटल कितने बने थे, 16, कितने बने थे तो 1/16 बेटा सौम्या, 1/16 मतलब 16 में एक ऐसा है जीनोटाइप जो इस ड्वार्फ और रिंकल है, दिखा दें, यही कहीं होगा, इसमें नहीं आई थिंक, डाई हाइब्रिड में है, समझ में आ गया? क्या सिखा दिया, कितने होंगे? अब दूसरा सवाल कर लो, वही जो पहले लिखा था, क्या लिखा था,
वही पूछ लो, तुम ही लोग पूछ लो। तो ऑल अराउंड दिखा दें। अच्छा इधर देखो, इधर सवाल ये है कि सावंत टॉल और राउंड कितने होंगे। तो देखो राउंड कैसा है, तो राउंड जो है कैपिटल आर भी हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है, और टॉल क्या होगा, कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो तुमको सिखा देते हैं। तो भैया कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसकी शादी की थी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर। सब में इधर देख लो, सीख जाओगी। वो फालतू चीज बना रही हो, विश्वास बता रहे, जो मैं सिखा रहा हूँ हमेशा काम आएगा, जो बना रही हो पेपर में बनाती रहोगी 5 मिनट, नहीं करो रिकॉल जब मैं तुमको अच्छा तरीका सिखा रहा हूँ। अब देखो तुम लोग को सिखा देते एक और सबसे अच्छा तरीका का, हमेशा कैरेक्टर को दो पार्ट में बांटो, जितने भी पार्ट में है उतने पार्ट में बांटो। सबसे पहले तुमसे पूछा गया टॉल, तो भैया यहाँ पर देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ भी देखो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब टॉल में ये वाले की जरूरत है नहीं, तो ये ले लो, ये कितना हो गया, कैपिटल टी और कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब सवाल में ये वाला अलग करो, राउंड रिंकल, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो भैया स्मॉल आर की हमको कोई जरूरत नहीं है, हमको कितने की जरूरत है, तो यहाँ आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखो तुमको दिखा दे रहे आंसर इतना ही आएगा, ये देखो कैपिटल टी ये वाला बनाओ, तो कितना बना, तो कहेंगे सर कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी। अब देखो अब दूसरा ये बन गया, अब देखो दूसरा सिखा देता हूं, इन्हीं इन्हीं सिचुएशन में पेन दिख रही कहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखो कितने बने भैया, चार, कितने में, 16 में। अब देखो कितने कितने होंगे, ये वाले में देखो 1:1 क्योंकि एक ही टाइप का गैमिट है, और यहाँ क्या है 1:2। मैं तो ये भी बता सकता हूँ, ये 16 में दो ऐसा होगा, 16 में एक ऐसा होगा, और 16 में 2:1, 16 में ये इतना होगा, और 2:2 मैं बताऊँ 4/16, 4 2 6 2 8 1 9, 9 out of 16 राउंड और टॉल होंगे। क्या होंगे, राउंड और टॉल, गारंटी जाके लगा लेना। और 9 9 होंगे संख्या में, और टाइप कितने होंगे दिखा दिया हूं, चार टाइप के 9 होंगे 16 में। सर आप क्या पढ़ाते हैं, जा खोल के देख लेना, उसके बाद तुम कल हमसे मिलोगे, सर हम पार्टी दे रहे हैं ये कहोगे। देखो इतना अच्छा क्वेश्चन करा दिया, आया निशा निकल गया, नोट कर लो तरीका, जब तक कुछ प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, थैंक यू।